तो वेलकम से आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करिए तोमोदाची गेम के एपिसोड 6 आई डोंट वांट टू फ्रेंड्स विद अ मर्डर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में योची था फाइनली रिवील करता है सबके सामने कि तैनजी अपना कल्प्रेट था और इसलिए उसके साथ पूरे 3 ट्रैप और 3 ट्रैप क्या थे ये आपको स्टूडेंट पर चल जाएगा। तो योची का प्लान था वो इस गेम से पहले शुरू हो गया था और जब इस गेम का 3rd राउंड होता है जहाँ पे एक बैड मैथ कार्ड आता है कि जो अपना तैनजी था वो डेट करता था सारागी को, उसके पास उसने काम करना शुरू किया था सारागी के साथ। तो मैं आपस में बात नहीं करते क्योंकि जितने यहाँ पे लोग थे उन सबको शक हो जाता, इसलिए यूज़ करता था बैड मैथ कार्ड को उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ये था उसका पहला ट्रैप। तो बेसिकली 4th राउंड के बाद जब वो अंदर जाता बूथ के अंदर तो वहाँ पे 2 कार्ड ले जाता, एक को सबमिट करता हूँ ब्लैंक और मैं एक में लिखता था वो इंस्ट्रक्शन सारागी के लिए जिसको बाद में पढ़ती हूँ बूथ के अंदर जाके। तो मतलब ये जो योची था वो पूरे कार्ड को यूज़ करता किसी और ही तरीके से। तो उस पर तेंजी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूछता है उसने इतनी जल्दी उस पर विश्वास क्यों किया। तो उस पर योची जवाब देता है कैसे, उसने उस पर जल्दी विश्वास नहीं किया बल्कि उसने पहले से एक टेस्ट दिया था साबित करने के लिए कि वो कल्प्रिट नहीं है। वो था उनके बीच में एक सीक्रेट था उसे एक बैड मैथ कार्ड पर लिखने का और बाद में सबमिट करने का, और क्योंकि सीक्रेट सिर्फ उन दो को पता था उनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लिख सकता उसके अंदर। तो ये सीक्रेट था कि ये योची था वो कब तक बिल्कुल नया नहीं था और ये चीज़ उसने सिर्फ सारागी को बताई थी। तो ये 4th राउंड में मतलब वहाँ पर रिजल्ट निकलता है तो वहाँ पर सिर्फ 2 एक्सपोज थे, एक तो ये एक्सपोजर सारागी ने लिखा हुआ था और दूसरा एक बहुत बड़ा एक्सपोज था जो कि मतलब क्लियर था उसने नहीं लिखा है। तो उसके बाद से उसको मतलब विश्वास हो गया था उसके ऊपर। तो उसके बाद डिटरमाइन कर चाहता हूँ ककुरोई के बारे में कि वो कल्प्रिट है कि नहीं, मतलब ये बारी बारी से मैं सक्रम पर कर रहा था मतलब ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। तो 5th राउंड में जब वहाँ पे था वो पास करता है कुकरोगी को एक बैड माउथ कार्ड इंस्ट्रक्शन के साथ जिसमें लिखा है जो सावरागी है मतलब अपनी साइड है, तो लेकिन उसे प्रिटेंड करना पड़ेगा उसे फाइट करने का तभी ट्रेड था उसे उन पर शक ना हो। तो उसके बाद वो सबमिट करते अगले राउंड में सावरागी के बारे में कि मैं कैसे पहनती हूँ मेंस के बॉक्सर, और उस राउंड में कोई और बड़ा कार्ड वहाँ पे आता तो ये बात क्लियर थी कि जो अपनी कुकरोगी थी वो भी कल्प्रिट नहीं थी। और ये सीन होता भी है क्योंकि जब अपना 6th राउंड में एक और बड़ा कार्ड आता है तो ये तैनजी सबसे 1 साल बड़ा है, तो मैं सिर्फ 2 बंदे रह गए थे, एक था तैनजी एक था शिबे, उन दो में से कोई अब कल्प्रिट था। और इन सब चीज़ों के बारे में जो योची था वो इन्फॉर्म रखा था सावरागी को थ्रू कार्ड्स, लेकिन इस पर तैनजी बोलता है कैसे वो हमेशा उसके साथ था। तो उसने मतलब सिर्फ उसको उसे कब बताया, तो उस पर बोलता है कैसे जब उसने उसको मैं थप्पड़ मारा उस समय उसने उस कार्ड को एक्सचेंज कर लिया था, और ये था उसका 2nd ट्रैप कि मैं जब 3 मिनट तक वो अंदर था तब उसने चीज़ कर ली थी, और जो मतलब उस हिसाब से बंदे उसमें जाते हैं उसका ऑर्डर मतलब उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता गेम के अंदर, लेकिन जो योची था वो इसका यूज़ भी कर रहा था मतलब कंट्रोल करता किस ऑर्डर में वहाँ पे जा रहे थे बंदे अंदर। तो उसके बाद सिर्फ 2 बंदे बचे थे, एक शिबे एक था तैनजी, और ये बात क्लियर थी कि वैसे कल्प्रिट कौन है क्योंकि जब बीच में एक स्पेशल चांस आता है क्योंकि जब मेजरमेंट के बारे में सिर पता करने वाली थी तो मतलब बहुत बड़ा सीन ऑन था ये उसके लिए कल्प्रिट के लिए, और उनको मतलब चीज़ रिवील हो जाती, लेकिन जो अपना शिबे था वो खुद वॉलंटियर करता इस चीज़ के लिए। तो ये बात क्लियर थी कि ये सब कुछ तैनजी ने किया था, और जो उसने बीच में एक सर्ची बताई थी कैसे वो सब अपने बारे की मतलब बुराई लिख कर कार्ड में सिवाय लीड के, ये सिर्फ उसने एक चीज़ के लिए की थी ताकि उसे पता चल जाए उसका मतलब मोटिव क्या था तैनजी का, क्योंकि उसके बाद से कोई उनका नुकसान नहीं होने वाला था। तो मतलब एक बात क्लियर थी कि वो तैनजी था ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा था बल्कि किसी और चीज़ के लिए कर रहा था। लेकिन योची उसको रिवील नहीं करता था ट्रेटर सीधे सीधे, क्योंकि आप तो उसको पता लगने के बाद वो बहुत सारे लाइन लिखता उन सब के बारे में जिससे उन सब की इज्जत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उसे चेक रखने के लिए उसे कुछ भी नहीं बताता अनटिल लास्ट राउंड। और जब लास्ट राउंड शुरू होता है तो सबसे पहले उसे बैठता बूथ के अंदर, और जब वो अंदर था वहाँ पे उन सबको बोलता कि वो ब्लैंक कार्ड को सबमिट करने को, लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं थी क्योंकि वे वाली गेम थी यहाँ पे एक बंदा बहुत सारे कार्ड लिख सकता है मतलब मल्टीपल कार्ड को सबमिट कर सकता है, तो उसकी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन थी वहाँ पर काम नहीं आ सकती।
तो आप कह सकते यही था उसका थर्ड और अपना लास्ट ट्रैप। तो मैं सबसे खतरनाक ट्रैप यही था, क्योंकि एक बंदा बहुत सारे कार्ड लिख सकता है तो उसने किस पे विश्वास नहीं किया था, या तो सवा रागी थी उसने उस पे विश्वास नहीं किया था। तो उन सबको विश्वास करने के लिए उसने सबको कहा था अपने जो नेम टैग थे उन्हें देने के लिए, और उन पर तभी विश्वास करेगा उसे अपना नेम कार्ड दे देगी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कल्पित नहीं थे एक्सेप्ट टैंजी, तो ईजिली उसे अपना कार्ड दे देते हैं। और क्योंकि उनके पास कोई आचार नहीं था एक्सेप्ट उसे नेम टैग देने के, इसलिए बारी बारी उस पर सार आ गई, फिर कोको रोगी और फिर शिविर उन सबको अपना कार्ड दे देते हैं। लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं थी कि जो नेम टैग देने से क्या था उनका डेप डबल हो जाता, इसलिए योची था अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। तो जो अपना नेम टैग था फोर्थ राउंड के बीच में था सारागी को, जब शिबे और योची मतलब शिबे और टेंजी आपस में लड़ रहे थे तो उसके बाद देखता है उसका डेप था वो सेम ही था। तो उसके बाद लिखता सारागी को बैड बॉय कार्ड में अपना नेम टैग देने के लिए, और जो सारागी कोकोरोगी और शिबे थे उन सबसे नेम टैग ले लेता है वो, ताकि मतलब उससे कोई बिट्रे ना कर पाए और ना ही कोई मल्टीपल कार्ड लिख पाए। तो मतलब जिनको नेम टैग थे उन्हें होस्टल रहता अपने पास वो, और इसके लिए कोई उसे मना नहीं कर पाता कि उसके लिए मना कर लेते हैं तो ऐसा मतलब वो आइसोलेट हो जाते हैं उन सबसे, और मतलब उनके ऊपर शक जाता उसका। तो एक बात क्लियर थी, योची था उसके पास एक अजीब सा माइंड था जो लोगों की वीकनेस को मतलब बड़ा हथियार बनाता अपने साथ। तो वो आराम से जानता ह्यूमन की वीकनेस के बारे में और पावर ऑफ मनी के बारे में। लेकिन एक बात अभी भी अजीब सी थी, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी जो अपने सारागी शिबे और कोकोरोगी थे अभी भी स्माइल कर रहे थे, जो काफ़ी मतलब बहुत अजीब सी बात थी। तो एक बात क्लियर थी कि जो योची था एक एक्सपर्ट लायर था, जो मतलब उन सबको ट्रिक करके उन सबको भी हंसा रहा था, और बस एक क्वेश्चन रहता कि योची मतलब कौन था। तो इस सब के बाद तेंजी एक सवाल पूछता है, कैसे जब योची ने शुरू किया था उन सबको ट्रस्ट करना बारी बारी से वो लास्ट में था, तो इसका मतलब योची सबसे पहले शक उसके ऊपर ही था। तो उसने मतलब क्या गलती की थी अपने एक्ट में कि उसके मतलब सबसे शक उसका गया था। तो उस पर बोलता है वो कि योची कैसे उन सब के बारे में मतलब बहुत कुछ जानता है, और स्पेशली तेंजी के बारे में। तो ये कोई मतलब मिस्टेक नहीं थी, बल्कि तेंजी था वो अपने आप ही ज़रा एक्ट नहीं कर रहा था, कि मतलब कि जो यूजुअली जो तेंजी है वो बहुत एक काम पर्सन था। लेकिन जब ये गेम स्टार्ट हुई तो उसने शुरुआत में शिबे से झगड़ा कर दिया, और उसने बाद में इंजाम लगाया शिबे के ऊपर। लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने अपना कोई भी सीक्रेट शिबे को नहीं बताया था, क्योंकि शिबे मतलब बहुत बड़ा आप कहते हैं वो अपने मुँह खोलने वाला बंदा था, मतलब सीक्रेट उसके पेट में पछता नहीं था। और उसके बाद जब कोरोई का सीक्रेट रिवील हुआ था तो उसने जानने की कोशिश की थी उसमें चेयर अप करने की, लेकिन एक इडियट है इसलिए चीज़ में उल्टी पड़ गई थी। तो इस एक बात क्लियर थी तेंजी को भी कि उसका प्लान इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उसने सबका इंजाम लगाया था शिबे के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा इडियट था ये सब चीज़ें पुल आउट करने के लिए, और उसका प्लान उसके बाद से सेक्रीफाइस हुआ था। तो उसके बाद सब कुछ वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पता मनाबू उन सबको बोलता है गेम को रिज्यूम करने के लिए, क्योंकि अगर ट्रेडर ने मैं से पकड़ा गया था उसके बावजूद भी शिओ इस गेम को हारने वाली थी। तो फाइनली इस गेम ख़त्म किया, जो अपनी योची था कुछ बोलता मनाबू को, जिसके बाद से जो कंट्रोल रूम था वहाँ पर टर्मोइल मच जाता है, और उसके बाद उस गेम को ख़त्म कर लेते हैं और योची पहुँचाता है गोल के पास। तो बेसिकली बोलता मनाबो कैसे सेवंथ राउंड में उसने एक बेकार सा बैडमाउथ का डाल था, मतलब उसने एक झूठ बोला था कि जो शिबे था उसने खून किया था, और एज अ पेनल्टी उसे मूव करना पड़ता है एक स्पेस आगे शियो के, जो एक गोल था। उन सबको बोलता है कैसे ये बेस्ट मेथड है जेम को जीतने का, और एज़ फॉर तेंजी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसे माफ़ करना है या फिर नहीं करना है जब थर्ड गेम खेलेगा, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता इस चीज़ को कि उसके पास कोई हक नहीं इस चीज़ को साबित करने का। और इसके बाद पता चलता उसने क्या बोलता है कोकोरोगी को, तो उसने बोलता कैसे उसने पास्ट में बहुत बुरे बुरे काम किए थे जिसके सामने उन सबके कोई काम नहीं है, तो इस चीज़ को उन्होंने छुपाया था क्योंकि वो नहीं चाहता उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसने चीज़ें जो छुपाई थी एक बहुत बड़ा बिट्रेयल था यानी तेंजी से भी। तो उसके बाद एक और बड़ी चीज़ रिवील होती कैसे जो अपना योची था उसने तीन लोगों को मार दिया था, और वो सिर्फ एक ह्यूमन एबोमिनेशन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर भी था, और जितने भी लोग वहाँ पे थे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। तो इतने बड़े क्लास के बाद भी जो योची था वो जाए मतलब थर्ड गेम में अकेले, तो उस पर बोलता है मनाबू की जो थर्ड गेम है बहुत ज़्यादा टफ है और वहाँ पर जाएगा अकेला तो डिराइट करेगा फ्यूचर में। तो उसे बोलता है योची कि उसके फ्रेंड्स थे वो सेफ्टी देता कि मतलब वो एक क्लीन लाइफ जी सके, और उन सब लोग को नहीं दिखाना चाहता ट्रू सेल्फ, लेकिन जो थर्ड गेम थी वहाँ पे वो अकेला है तो अपने ट्रू सेल्फ को रिवील कर सकता है, और जो थर्ड गेम थी वो उसे यूज़ करेगा जो मैनेजमेंट और जो मनाबू है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए,
तो उसमें जो मैं नाबू था अपने ट्रू वॉइस से अजीब सी वॉइस में बोलता है कि जो योची है वो एक मर्डर है, और जो तीन मर्डर हुए थे वो कोई एक्सीडेंट नहीं थे बल्कि उस तरह से खून करता उन तीन लोगों का, और जितने पे उसके दोस्त थे सबके सेकंड थॉट आते हैं कि मैं कैसे जो एक मर्डर साथ रहते हैं, और शिव बोलता है उससे सीरियल किलर भी, और बोलता है मैं कैसे घिन आ रही है कि रहा था एक मर्डर साथ इतने सारे साल। तो तैनजी बोलता है कि वो पीपल थे, उनके अपने रीज़न होते चीज़ें करने के, और जो वो चीज़ें कोई कभी समझ नहीं पाएगा क्योंकि जो शिवे था वो एक अमीर आदमी है और एक इजी लाइफ जीता है, और जितने से मैं गलत काम थे उसके पापा उसको मतलब आपका सही कर लेते हैं। तो उसके बाद उन सबके बीच में लड़ाई होती है, और जो योची था उसे मतलब पहले से पता ही सब कुछ होने वाला है। तो ये सब देखिए योची था वो बोलते से कोई फ्रेंड नहीं चाहिए क्योंकि जो फ्रेंड्स थे उसे बस ड्रैग डाउन कर रहे हैं, और उनकी वजह से उसका डेप्थ था बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब चीज़ें वो अकेले करेगा। तो इस पर शिव बोलती हैं कि वो बिना फ्रेंड्स के मतलब रह पाएगा, तो उस पर उसके बस अपनी माँ की याद आती है, क्या जो उसकी माँ थी वो बोलती जो फ्रेंड्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पैसों से भी, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता, ये जो उसके थाउट थे उसे चैरिश करता है, और उसके बाद जो उसकी फ्रेंडशिप थी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है वहाँ पे वो, लेकिन अब मतलब बहुत ज़्यादा हद हो गई थी क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप थी बहुत टॉक्सिक हो गई थी, उसके बाद उसे दुख मिल रहा था, ताकि ज़्यादा दुख उसे ना मिले तब वो रहना चाहता अकेला। तो उसके बाद बोलता हूँ सबको कैसे मतलब फ्रेंड नहीं बन सकते मर्डर के, तो उन सबको तो भूल जाना चाहिए। तो इसके बाद सब कुछ कर रहा था उसने मतलब बचाने के लिए, और अपनी माँ को माफ़ी मांगता है, और वहाँ पे चला था कूदने और थर्ड गेम के लिए, लेकिन तैनजी था उसे रोक लेता है, ऐसा नहीं चाहता कि वहाँ पे अकेला जाए, और सब बोलता है मनाबू को कि उसने भी मतलब झूठ बोला था उस गेम के अंदर, तो बताता क्या जब उसने बोला था कि डेट करता शिव को वो एक मतलब झूठा बैडमाउथ कार्ड था, क्योंकि उसने कभी मैं शिव के लिए फीलिंग नहीं थी, जो एक्चुअली उसके लिए फीलिंग थी वो थी योची के लिए, और ताकि उन सब लोगों को इसे दूर कर पाया इसमें सबकी फ्रेंडशिप को तोड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे तो उसे रैंडम बकवास बोलते हैं, लेकिन सबको मैं साबित करने के लिए उसे किस कर लेता है। तो उन दो के वहाँ से गिरते ही जो अपनी गेम थी ये क्लियर हो जाती है, और एक बात क्लियर थी कि जो तैनजी है उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही था वहाँ पे, और ये क्या था ये फ्यूचर में पता चल जाएगा। और एक और बड़ी बात रिवील करते लास्ट में कि जो अपना तैनजी है उसकी गेम सेकंड गेम है, मतलब ये पहले ही तो मजा की गेम में आ चुका है, और किसके साथ ये बात भी क्लियर है कि जो फर्स्ट ईयर में एक साल ब्रेक लेता है वो शायद इसी गेम के अंदर आया था। तो आज के लिए तो इतना ही है, मतलब काफ़ी सही एपिसोड था ये, जो अपनी एंडिंग थी काफ़ी एंटी क्लाइमेटिक थी कि लास्ट में किस कर लेते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आज के लिए तो इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, बाय। करो खुद को ने लगा मैं आसमान में।